वेलकम बैक टू कॉस्टी चैनल। इस तरीके के सूट की कटिंग करने से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं आपको कपड़े को खोलकर दिखाती हूँ। आप देख रहे होंगे इस कपड़े के ऊपर जो डिज़ाइन है एक ही साइड को है और पूरे सूट में इसी तरीके का डिज़ाइन है। सूट की कटिंग करने से पहले कपड़े को प्रेस कर लें। प्रेस करने से जो सिलवटें हैं निकल जाती हैं। अब कपड़े को डबल फोल्ड करके इस तरीके से रखना है और सबसे पहले इसकी लंबाई 41 इंच है तो 41 इंच पर निशान लगाना है। लेकिन आप नीचे देख रहे होंगे इसी कपड़े के डिज़ाइन की एक चौड़ी पट्टी लगाई है और अब हमें यहाँ पर तुरपाई के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखना है। तो 41 इंच लंबाई है, 41 इंच पर निशान लगा लेना है और 42 इंच पर निशान लगाना है। मैं यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ। आप चाहें तो आधा इंच भी एक्स्ट्रा रख सकते हैं। दूसरी साइड भी 42 इंच पर निशान लगा लेना है। तीरा 14 इंच है, यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगा लेना है, यानी कि 14 का हाफ 7 हुआ, 7 इंच पर निशान लगा लेना है। अब यहाँ से मोंढा रखना है तो मोंढा रखने के लिए देखिए 40 इंच छाती है तो यहाँ पर हम 8 इंच पर निशान लगा लेंगे। अगर चाहें तो 40 इंच से नीचे हो तो आप 7.25 या 7.5 इंच पर भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर भी 8 इंच का निशान लगा लें। अब फ्रंट साइड की कटिंग करने के लिए हमें यहाँ से जैसे 7 इंच तीरा है तो फ्रंट कटिंग के लिए 6 इंच पर निशान लगाना है। ऊपर वाली साइड से आधा इंच तिरछी का निशान लगा लेना है और मुंडे वाली साइड से अब चाक के निशान लगाने हैं। अब यहाँ से 7 इंच पर निशान कमर का लगाएं और नीचे हिप्स का निशान जो है 14.5 इंच पर लगाएं। ये निशान लंबाई के अकॉर्डिंग लगाए जाते हैं। यहाँ पर 15 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं। अब हमें जो घेरा है 23 इंच है तो 11.5 इंच पर निशान लगा लिया और 1.5 इंच एक्स्ट्रा तुरपाई के लिए निशान लगाया है। अब हिप्स पर 11.5 यानी कि 23 इंच हिप्स है तो 11.5 इंच पर निशान लगाना है और उसके आगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा तुरपाई के लिए रखना है। अब 1.5 इंच पर भी निशान लगा लिया। कमर 38 इंच है तो 38 इंच का चौथा हिस्सा 9.5 हुआ और 9.5 इंच पर निशान लगाने के बाद हमें 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाना है क्योंकि ये कटिंग का निशान है। अब जो 36 है वो 41 इंच है तो 41 इंच का चौथा हिस्सा 10.25 हुआ और 10.25 इंच पर निशान लगा लेना है और इन निशान को स्केल से मिला लेना है और फिटिंग वाले निशान को भी मिला लेना है। ये देखिए ये अंदर फिटिंग वाले निशान है और बाहर की साइड जो है वो कटिंग के निशान है। अब फ्रंट और बैक साइड के निशान को भी मिला लेना है और जो आधा इंच तिरछी लगाई थी वहाँ पर भी हमें गले वाली साइड को मिला लेना है। अब यहाँ से मुंडा की कटिंग जो है 1.5 इंच पर रखनी है। ये बैक साइड की है और 1.5 इंच ही फ्रंट साइड की है। अब इन निशान को हमें यहाँ से कटिंग करनी है तो मुंडे का हाफ जो 8 इंच है इसका हाफ हुआ 4 इंच। 4 इंच पर निशान लगाकर हमें इस तरीके से इनकी गोलाई देनी है। ये यहाँ से अब कर्व करते हुए देखिए इस तरीके से इसे गोलाई को मिलाना है। ये बैक साइड का निशान हुआ और फ्रंट साइड का हमें जो आधा इंच तिरछी लगाई है वहाँ से इस तरीके से मिलाते हुए ये फ्रंट साइड के निशान को भी मिला लेना है। अब यहाँ से कटिंग कर लेनी है। अब कटिंग हमें यहाँ से नहीं करनी है, दूसरा जो निशान कटिंग वाला है वहीं से हमें करनी है। देखिए फ्रंट साइड की कटिंग हमने कर ली है और एक ही साइड को इसका डिज़ाइन है। अब बैक साइड के कपड़े को भी इसी तरीके से सेट करना है ताकि इसका जो डिज़ाइन है ऊपर वाली साइड को ही आए। अब 11.5 इंच जो है हमारा घेरा है तो हमने 13 इंच पर निशान लगाया है और यहाँ से 11.5 इंच निशान रख कर और ऊपर की तरफ लेंथ को रखना है, यानी कि 43 इंच तैयार है। इसमें 3 इंच एक्स्ट्रा तुरपाई के लिए रखना है तो जो ये 3 इंच एक्स्ट्रा है ये हमारा कपड़ा तुरपाई के लिए है।
अब इसी तरीके से 44 इंच पर निशान लगाना है। अब जो फ्रंट साइड की कटिंग की है उसे इस तरीके से इसके ऊपर रख देना है। अब जो ये 3 इंच एक्स्ट्रा है ये तुरपाई के लिए एक्स्ट्रा रखा हुआ है, और यहाँ से अब जो तिरछी लगाई थी उसको भी साथ में कटिंग करनी है। अब नीचे वाली साइड से भी घेरे की कटिंग कर लेनी है। देखिए फ्रंट बैक की कटिंग कर ली है, और जो फ्रंट की कटिंग है अब इस कपड़े को हमें इस तरीके से उठाकर हाथ पर रखना है और फ्रंट वाली कटिंग कर लेनी है। ध्यान रखना है नीचे वाले कपड़े को नहीं काटना है। अब यहाँ से बैक साइड का गला की कटिंग करने के लिए 2.5 इंच का निशान लगा लें, और 4 इंच का छोटा गला है तो यहाँ पर 4 इंच का निशान लगाकर दोनों साइड से निशानों को स्केल से मिला लेना है, और यहाँ पर 1/2 इंच की गोलाई देनी है और गले की कटिंग कर लेनी। मैंने तो यहाँ पर आईडी से ही 1/2 इंच का निशान लगाया था, आप चाहें तो इंची टेप रखकर 1/2 इंच का निशान लगाकर गले की कटिंग कर लें। अब फ्रंट और बैक साइड की कटिंग कर ली है, अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है वहाँ से हमें बाजू को कटिंग करनी है। तो जो ये कपड़ा है एक ही साइड को है, तो ध्यान रखना है बाजू की कटिंग भी एक ही साइड को करनी है। अब कपड़े को डबल फोल्ड करके इस तरीके से सेट कर लेना है। बाजू की लंबाई जो है 17 इंच तैयार है, तो यहाँ पर 2.5 इंच एक्स्ट्रा रख कर यानी कि 19.5 पर निशान लगाना है, और दूसरी बाजू के लिए भी यहाँ पर 17.5 इंच और 19.5 इंच पर निशान लगा लेना है। अब जो 19.5 पर निशान लगाया है वहाँ से इसे कटिंग कर लेनी है, और दूसरी बाजू की भी 19.5 निशान पर कटिंग कर लेनी है। अब दोनों बाजुओं को बराबर सेट करके एक ही साइड को डिज़ाइन को करना है। अब ये जो इसकी लंबाई है बहुत कम है, इसलिए हमें यहाँ नीचे वाली साइड जोड़ डालना है। तो जोड़ वाले डिज़ाइन का जो कपड़ा है वो भी एक ही साइड को होना चाहिए, इसे डबल फोल्ड करके इस तरीके से रखना है। 5 इंच मोरी है तो 5 इंच पर निशान लगाकर 1.5 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा लेना है, और यहाँ से अब मुंडा जो है 9.5 इंच पर रखकर और यहाँ से 3 इंच हमें निशान लगाना है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए 3 इंच पर निशान लगा लिया है, और यहाँ से इन निशान को स्केल से मिला लेना है। अब यहाँ से हमें बाजू की कटिंग के लिए गोलाई देनी है, तो ऊपर वाली साइड से 1.5 इंच नीचे की तरफ रखते हुए इस तरीके से गोलाई को देना है, और जो कटिंग का निशान लगाया है वहाँ से हमें इसे कट कर लेना है, और गोलाई को यहाँ से इस तरीके से कटिंग करनी है। देखिए बाजू की भी कटिंग कर ली है। शर्ट कटिंग करने की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें। जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू, टेक केयर।